सही अलई कानियन सूत जाला कोरा में हग देला बोरा में। मैं इसका आदमी हूँ और ये मेरी औरत है। ये मजाक ही है ना। मजाक है। क्योंकि पहले सबसे पहले आपको एक अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी। ये साड़ी पहन लेते हैं, ब्लाउज डाल लेते हैं, इससे अंदर या कागज होगा जो होता है वो डाल लेते हैं, बस स्टार्ट। बाल बिग हो जहर ले लो, ये गुटका खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटका, एक महीना में कैंसर, दो महीना मौत। कौन जानता था एक बिरयानी बेचने वाला लड़का ऐसा कुशीनगर का बन जाएगा कि लोगों के चहेते के रूप में सामने आ जाएगा। यह लड़का कम परिस्थितियों में भी आगे आके आज कुशीनगर का पॉपुलर चेहरा बन गया। 8 लाख कहें या ओवरऑल देखा जाए तो मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर को रखा हुआ है और हर वीडियो पर मिलियन तो कॉमन ही है, छींक देता है तो मिलियन चला जाता है। तो ऐसा जो है ये ऋतिक जायसवाल स्क्वायर हमारे साथ में है, इनका भी नाम ऋतिक जायसवाल है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई ना कोई वीडियो आपको इनके सामने दिखा ही होगा। अब चूंकि आए हुए हैं तो इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये संभव पाया और क्या कुछ तरीका है कि ये पूरा स्टार कुशीनगर का, कुशीनगर क्या बहुत अलग अलग जगह के लोग भी बहुत पसंद करने लगे हैं। तो यार ऋतिक कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। तो ऋतिक सबसे पहले हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ डायलॉग्स जो है आपको बहुत फेमस है, कुछ फेमस डायलॉग्स को डिलीवर करिए हमारी जनता के लिए ताकि यकीन हो जाए कि जिस ऋतिक जायसवाल को वो वीडियो देखते हैं उसी का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। एक मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक गुटका बैंक, हाँ ठीक है, तो जिसको अमिताभ बच्चन ने भी पोस्ट किया था अपने ट्विटर पे। वाह जी वाह। और अमिताभ बच्चन ने और अजय देवगन ने भी पोस्ट किया था, हाँ ठीक है। तो उसका डायलॉग था, ये जहर ले लो, ये गुटका खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटका, एक महीना में कैंसर, दो महीना मौत। किसी की भी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया हो तो कहीं नहीं जाने का, मरने का शौक है तो मेरे पास आने का। चलिए हाथ उठाइए, जो भी गुटका खा के मरना चाहता है डायरेक्ट मेरे पास आ जाइए। आप मरना चाहते हैं कहाँ है भाई? भाई हम मेरी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी है उसने, तुम्हारे पास आ गया भाई। क्या हो है, दवा है? बिल्कुल गुटका खा के मरना पड़ेगा भाई। अरे यार गुटका मत खाना, गुटका नुकसान ही करता है और बहुत लोगों की जिंदगी को ली लिया है, ये सब बचना ही है। और ऋतिक ये बताओ यार, ट्रेन में ज्यादातर सफर आपका होता है? हाँ ट्रेन में मजा आता है वीडियो करने में। टीटी और ट्रेन के अधिकारी उठा के फेंकते नहीं है बाहर? एरिया ही अपना होता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम शूटिंग कहाँ पे होती है आप लोगों की? ट्रेन में होती है, गोरखपुर होती है और कुशीनगर दिल्ली। इतने लोगों को परेशान करते हो तो लोग दौड़ाते नहीं है मारने पीटने के लिए? नहीं तो सब अपने ही होते हैं ना, ये सब जान पहचान के हैं, सब जानते हैं। और इन लोगों को मेन बात ये, जो नहीं जानते उन लोगों को मजा आता है। आप मेरे वीडियो देखिएगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको गुस्सा आए, सबको मजा आता है। मैं ऐसा करता ही हूँ कि सबको मजा आए। तो ये सफर कब से शुरू हुआ है आपका? तकरीबन हो गया मेरे को प्रैंक करते तो 2.5 साल हो गया, लेकिन मैं इससे पहले 2017 से ही वीडियो बनाता था और पहले लव स्टोरी वीडियो बनाता था जिसमें मेरे थोड़ा सा भी कुछ रिस्पांस नहीं मिलता था। वीडियो पोस्ट उसमें पैसे भी खर्चे होते थे और टाइम वेस्ट होते थे और पूरा दिन चला जाता था। अब लवर्स कहाँ देखेंगे, वो तो ज्यादातर इसके जैसे आए हैं जो ज्यादातर धोखा खाए हुए हैं, और आप लव स्टोरी बना रहे तो दुख होगा, पीड़ा होगा तो वो देखेंगे ही क्यों। तो यही बात है। तो फिर से हम लोगों ने सोचा कुछ अलग करने के लिए, तो फिर मैंने प्रैंक को एक बार सोचा पब्लिक में रखने के लिए, तो पब्लिक में किया और सबसे अलग किया, तो आज आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सामने ही है। ये ऋतिक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ऋतिक इनका भी नाम ऋतिक जायसवाल, ऋतिक जायसवाल, कैसे दोस्ती हुई और कैसे क्या पॉसिबिलिटीज हुई? हाँ तो इसको इसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था तो ये मेरे पास भाग के चला आया। इसने बोला मेरे से शादी करना है मेरे को, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई शादी कर लेते हैं फिर। तो ये फिर मैं इसका आदमी हूँ और ये मेरी औरत है। ये मजाक ही है ना। मजाक क्योंकि आजकल के दौर में बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर ये मजाक नहीं है तो। नहीं नहीं ये सही है। सही है सही है। अच्छा ज्यादातर वीडियो में ये आप लड़की बनते हुए दिखते हैं तो हेजिटेशन नहीं होता यार लड़की बन के घूम रहे हो? नहीं मजा आता है, मजा काम ही यही है, हमें मजा भी आता है इसमें काम में, बहुत अच्छा बहुत मजा आता है हम लोग का। लड़की बनने में क्या क्या यूज करते हो? ये तो सॉरी ये सेंसरशिप वीडियो लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई कलाकार बनना चाहे उसके लिए हम पूछ रहे हैं। देखिए पहले हम लोग तो क्या बताएं, बोल पहले सबसे पहले आपको एक अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी।
और ये साड़ी पहन लेते हैं, ब्लाउज डाल लेते हैं, इससे अंदर या कागज होगा जो होता है वो डाल लेते हैं, बस स्टार्ट बाल बिग होता है वो लगा लेते हैं लड़की। हम लोगों के बालों, हम लोगों के वीडियो में एक हेयर है हम लोगों का बड़े बड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो ना रहे हम लोग पास तो वीडियो बन ही नहीं पाएगा। मतलब कुछ लड़की होते हुए कोई डाला के अभी तक याद है? नहीं, ये तो ना इंसाफी हो गई यार ऋतिक, आप कुछ डायलॉग बोलो। तो ये डायलॉग है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कि तुम हुस्न नहीं हुस्न की दरिया हो, कि तुम हुस्न नहीं हुस्न की दरिया हो और प्यार तुमसे क्या करूं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी करिया हो। ओहो ऋतिक, ओहो। और कुछ भोजपुरी? भोजपुरी भोजपुरी चलेगा? बहुत 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 भोजपुरी बहुत चलता है यहाँ पे। कैसैया लइका नियन सूत जाला कोरा में हग देला बोरा में। अरे यार। अच्छा पब्लिक रिएक्शन क्या था इस तरह का जो प्रैंक किए हुए थे, तो लोगों का रिएक्शन इस तरह जब करते हैं यादगार लम्हे रहे हैं? हाँ, इस तरह जब हम लोग करते हैं पब्लिक में, हाँ, तो पब्लिक में अचानक से सब लोग शॉक हो जाते हैं एकदम, कौन सा गाना गाने लगा एक बार गा के, और गाते लोग जब गाने के जब लास्ट में पंच मारते हैं, हाँ, तब लोगों का रिएक्शन मजा आता है देखने। हम भी अभी गा रहे थे तो मुझे लगा कि ये कौन सा गाना क्यों शुरू कर दिया, कलाकार गाना सिंगिंग भी करता है क्या, लेकिन जब पंच पड़ा तो हम कहे अरे यार ये तो पंच है, मतलब ऋतिक का स्टाइल है अपना। तो ऋतिक वहां पर का एक्सपीरियंस कुछ बताइए, चूंकि आप दूसरे ये तो अपना क्षेत्र है, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे तो हम दबंग है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं कुछ, लेकिन गोरखपुर आप जाते हैं, नौका बिहार वगैरह बनाते हैं, दिक्कत हुआ है बहुत बार, दिक्कत हुआ, ऐसा बात नहीं है कि अपने एरिया में दिक्कत नहीं हो, दिक्कत तो हर जगह होता है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, दिक्कत तो होएगा ही, हर जगह होएगा, लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोग को खुद दब के रहना है, क्योंकि हम लोग को शूट करना है, कैसे भी शूट करना है तो हम लोगों को खुद ही दब के रहना पड़ता है। आप जो है इस समय कुशीनगर के हार्ट पे हैं, जिला पर हैं, जी जी, और यहाँ पर क्या प्लानिंग थी, यहाँ पर भी प्रैंक करना था क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे बड़े भैया आए हुए थे सत्यम सम्राट जी, तो उनका प्रोग्राम था यहाँ पे, तो हम लोग साथ में चले जाते हैं घूमने के लिए, प्रोग्राम देखते हैं, मजा आता देखने में, उसी में जो लोग मिलते हैं उनको प्रैंक कर देते हैं, प्रैंक कर देते हैं हम लोग। कंटेंट चलता फिरता, कंटेंट आपका रेडी रहता है जी सर। हाँ। तो यार ये कमाई उमाई का कुछ बताओगे सीन? अभी तो बिरयानी, मैंने इंट्रो पार्ट कहा कि बिरयानी की दुकान से गौरव आके इम्प्रोमाइज कराए हैं कि बिरयानी की दुकान चलाते थे, तो अब जो है अब परिस्थितियां क्या है, अब चेंजेस आई है? हाँ, पहले मतलब जो मैं बिरयानी का दुकान चलाता था, और ऐसा बात नहीं है बस बिरयानी ही बेचा हूँ, हाँ, मैंने आम बेचा है, लीची बेचा है, मैंने हर एक चीज बेचे हैं, वो जो मीट चिकन लिट्टी, हाँ, आम छोले भटूरे, हाँ, चना लिट्टी है, मोमो, मतलब सीजन के हिसाब से थोड़ी बेचले बनी, हाँ, सीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से मैंने बेचा हुआ है, और ऐसा बात नहीं मैंने आज, मुझे पता नहीं है, मुझे आज भी सब आता है। अब कंटेंट बेच रहे हो? अब कंटेंट बेच, अब डॉलर बेच रहा हूँ खाली। डॉलर कमा रहे हो, बेच कहाँ रहे हो? तो यूजली सबसे ज्यादा कमाई कब हुई है, किस वीडियो से हुई है? सबसे ज्यादा कमाई मेरा नहीं बताऊंगा। हमको लगता है कि 100 कुछ मिलियन गया हुआ था जो, नहीं नहीं, ये तो हमारे इंस्टाग्राम पे जो वीडियो चलते हैं तो इंस्टाग्राम पे दे देता है, वो कुछ करता नहीं है। आई होप अगर इंस्टाग्राम पे अगर 1 रुपया भी दे, एक व्यू पे अगर 1 रुपया दे, तो मेरा 150 मिलियन चला है, तो इस हिसाब से 15 करोड़ रुपया हो गया मेरा भाई। बहुत चला है भाई ये इनका, एक तरह से पूरी जनसंख्या की जितना चल गया है, पूरे भारत भर के जनसंख्या के बराबर चल गया है। तो क्या अब परिवार का क्या रहता है कि करने देना है काम, लड़का सही जगह पर है, सेटल है, सब बढ़िया कर रहा है काम? हाँ, परिवार वाले घर वाले तो यही कहते हैं कि जो भी करो अच्छे से करो, बट कुछ गलत मत करना, कुछ गलत मत करना, तुमको फ्रीडम दिया गया है, तुम करो जो अच्छा लग रहा करो, लेकिन बस गलत मत करना, तो हम लोगों को उनकी आदत पे चलना पड़ता है। कुछ सुनाओगे जाते जाते? और एक छोटा सा डायलॉग है, हाँ, कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है? बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है? कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है? और प्यार करना है तो माँ बाप से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है? जो स्टाइल आपका है उससे बिल्कुल अलग, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम से कहानी बदल गई, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दिया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये यही हुआ कि ये दोनों ऋतिक का हमने इंटरव्यू लिया, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कर दीजिए,
और चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए और आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, भैया को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हमको नहीं करिए, हम ही दिखाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, भैया को प्लीज सपोर्ट करिए और थैंक यू जितने भी देख रहे हैं मुझे दर्शक, थैंक यू।